नमस्कार, टेल्स फ्रॉम टू फ्रेंड्स में आप सभी का स्वागत है। मेरी फ्रेंड मधु और मैं वर्षा फिर से एक बार आपके साथ इंडिया इज बिकॉज ऑफ देम इस सीरीज में कुछ ना कुछ शेयर जरूर करेंगे। हमने पहले एपिसोड में देखा कि किस तरह से हम यूनाइट हुए, बाद में देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ, बाद में हमने देखा कि हमारी आर्मी ने हमारी शान किस तरह से बचाई, और अभी आज हम बात करेंगे कि जब हम आज़ाद हो गए थे तो बहुत सारे चैलेंजेस हमारे सामने थे। हमारे देश का डेवलपमेंट करना था, सारे सपने थे, उस सपनों को साकार करने के लिए किस तरह से हमारे लीडर्स ने, हमारे लोगों ने मेहनत की, बस उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो आज हम बोलते हैं कि इंडिया इज लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड। तो मधु मैडम, डेमोक्रेसी मतलब यही है कि हम इलेक्शंस पार्ट है, यस, पहला इलेक्शन, इसके बारे में बात करेंगे। और उसके साथ साथ कोई भी कंट्री जो है, जो डेवलपमेंट होता है, उसके कुछ मायने होते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन है, एजुकेशन है, इसी के बदौलत ही कोई भी कंट्री स्ट्रांग बनती है। तो जैसे हमने कहा कि बहुत सारी समस्याएं थी, चैलेंजेस थे, लेकिन सबके मन में यही था कि हमें आगे बढ़ना है। एक तरह से हम बोल सकते हैं कि वो एक अग्निपथ था और उस अग्निपथ पे सभी लोग चल रहे थे यही सोचकर कि तू ना थकेगा कभी, तू ना रुकेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। और वो अग्निपथ पे हमारे लोग चल पड़े और हमारा डेवलपमेंट शुरू हो गया। इंटरेस्टिंग वीडियो आपने दिखाया है, एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस, यू नो, ऑफ कोर्स देयर वाज सो मेनी चैलेंजेस एंड इतना सारा डेवलपमेंट प्लान हुआ है फॉर द यू नो फ्यूचर ऑफ इंडिया। जनरल इलेक्शन मस्ट हैविंग समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, फर्स्ट जनरल इलेक्शन, एंड दैट इज समथिंग सो बी प्राउड ऑफ एंड इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है इंडिया के लिए। तो उसके बारे में कुछ बताइए। yes, आपने जैसे बताया कि पहला हमारा जो चुनाव था वो बहुत ही थ्रिलिंग रहा सबके लिए, पहला एक्सपीरियंस था, बहुत ही रोचक कहानियां है उससे जुड़ी हुई जब हम पढ़ते हैं। तो आज़ादी के बाद ये जो पहला इलेक्शन होने वाला था, लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित किया जा रहा था, क्योंकि उसके पहले लोगों ने मतदान किया ही नहीं था, मालूम ही नहीं था कि किस तरह से मतदान होता है। फिर और एक प्रॉब्लम उसमें क्या था कि ज्यादातर लोग जो हमारे भारत के उस टाइम पे अशिक्षित थे, तो उनको समझाना कि आप आइए और मतदान करिए, वो सबसे बड़ा एक चैलेंज था चुनाव आयोग के सामने। चुनाव आयोग भी स्थापित हो चुका था उस टाइम पे। फिर था लोगों के मन में अंधविश्वास, किस तरह से, पता है, बहुत ही मजेदार कहानी है इसमें ये है कि लोग ये समझते थे कि सरकार जो है वो भगवान की तरह होती है, फिर भगवान को हम कैसे चुन सकते हैं। तो ये एक विचार उनके मन में था। फिर दूसरा ये था कि अगर हम चुनाव करते हैं सरकार का, जिसको लोग उस टाइम पे भगवान मानते हैं, तो वो पाप नहीं होगा, ऐसा एक थॉट उनके मन में था। फिर और एक दूसरी समस्या मैं बताती कि जब भी जैसे चुनाव आयोग ने ऑफिसर्स भेजना शुरू किया, वोटरों की लिस्ट बननी शुरू हो गई, उसमें से जो महिलाएं थी उनके जब नाम लिखे जा रहे थे, तो कोई भी महिला अपना नाम बताने के लिए तैयार ही नहीं थी। किसी को भी पूछते तो वो बताती कि मैं उसकी माँ हूँ, मैं फलाना फलाना की बीवी हूँ, या फिर किसी की बेटी हूँ, लेकिन कोई अपना नाम नहीं बताता था। वो एक प्रॉब्लम। अगर
और बताने आप चाहे भी तो पता नहीं, वो एक मन में था कि किसी को अपना नाम नहीं बताना है। okay. ये भी मैंने पढ़ा जब ये बात हो रही थी, मैं पढ़ रही थी कि जब ये चुनाव आयोग के ऑफिसर्स के घर में जाते थे, महिलाओं का नाम पूछते थे, और कई जगह पे उन ऑफिसर्स की महिलाओं ने पिटाई भी कर दी। इतना भी मतलब इतना वो था प्रॉब्लम। तो लेकिन जैसे तैसे जो हमारे पहले चुनाव आयोग के जो प्रमुख थे, उन्होंने काफी मेहनत करके एक प्लान बनाया और मतदान हुए, तो हम आज बोल सकते हैं कि उस टाइम पे पहली बार मतदान हो रहा होगा तो कितने सारे चैलेंजेस के साथ हमारा जो इलेक्शन कमीशन था वो लड़ रहा था, लेकिन उसके बावजूद सक्सेसफुल इलेक्शन हुआ और हमने वो पहली बार अपनी सरकार चुनी। तो किस तरह से वो चुनाव हुआ, आइए हम आपको समझाते हैं। आज हम अपनी चुनाव प्रणाली और लोकतंत्र की चाहे जितनी भी खामियां निकालें, लेकिन जब अतीत में लौटकर विचार करते हैं तो इसे अविश्वसनीय उपलब्धि के रूप में पाते हैं। हम अपनी सरकार खुद चुन सकते हैं, यह भाव तब रोमांच पैदा करने वाला रहा होगा। वह समाज जिसे अंग्रेजों ने ऐसा समाज कहा था जो लोकतंत्र को न पचा पाएगा न इसे संभाल कर आगे बढ़ा पाएगा। 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक यानी करीब 4 महीने चली उस चुनाव प्रक्रिया ने भारत को एक नए मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया। 25 अक्टूबर का दिन भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास का एक अहम दिन है। इसी दिन 1951 में भारत में आम चुनाव की पहली बार प्रक्रिया शुरू हुई थी। आज़ाद भारत के पहले मतदाता श्याम शरण नेगी थे। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर घाटी के काफ़ी ठंडे मौसम को देखते हुए सबसे पहले वही मतदान कराया गया। देश के बाकी हिस्सों में जनवरी और फरवरी 1952 में मतदान हुआ। उस चुनाव में कुल 53 पार्टियों ने हिस्सा लिया था। 1874 उम्मीदवार थे और 489 सीटों के लिए मुकाबला हुआ था। नेहरू जी के नेतृत्व में इंडियन नेशनल कांग्रेस को 364 सीटें मिली थी, यानी कि 364 सीटें मिली थी। भारत की आबादी उस समय केवल 36 करोड़ थी और उनमें से 17.32 करोड़ लोग ही वोट डालने के योग्य थे। उस चुनाव में 45.7% वोटिंग हुई थी और करीब 85% अशिक्षित थे। अशिक्षित वोटर्स का ध्यान रखते हुए पार्टियों और उम्मीदवारों के लिए चुनाव चिन्ह की व्यवस्था की गई थी। तब हर पार्टी के लिए अलग अलग बैलेट बॉक्स था जिन पर चुनाव चिन्ह थे। लोहे की 2.12 करोड़ पेटियां बनाई गई थी और 62 करोड़ मतपत्र छापे गए थे। सुकुमार सेन मुख्य चुनाव आयुक्त थे। यह चुनाव प्रक्रिया इवॉल्व हुई और आज हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के तौर पर दुनिया को सिखा रहे हैं कि चुनाव कैसे कराने चाहिए। तो वर्षा मैडम, आपने जनरल इलेक्शन कैसे हुआ उसके बारे में बताया और इतना एक इंटरेस्टिंग वीडियो भी शेयर किया। ऑफ कोर्स आफ्टर द इलेक्शन नाउ वी हैव अ गवर्नमेंट टू रन द कंट्री, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, लाइक आपने इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात किया था, तो ट्रांसपोर्टेशन इज लाइक वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट बिकॉज बींग इंडिया सच ए बिग कंट्री एंड ऑल दैट। तो उसके बारे में कैसा स्टार्ट हुआ, हमारा रेलवेज इज लाइक इंडिया की जान है, तो रेलवेज कैसे स्टार्ट हुआ, उसकी कुछ अच्छी स्टोरी बताइए। हाँ, स्टोरी तो यही है मैडम कि रेलवे हमारे यहाँ बहुत पहले आ चुकी थी। 1857 रिवॉल्यूशन के पहले ही इंडिया में ट्रेन आ चुकी थी
और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए काफी सारे प्लानिंग बनाए गए थे, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट बात जो है वो है हमारी इंडिया की लाइफलाइन, दैट इज इंडियन रेलवे। किस तरह से वो इवॉल्व हुई, आइए हम आपको समझाते हैं इस वीडियो के माध्यम से। मधु मैडम, जैसे हमने बताया अभी हमारे दर्शकों को कि इलेक्शंस हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा था, ट्रेन आ गई थी, लेकिन कोई भी कंट्री जो है वो स्ट्रांग बनती है उसकी एजुकेशन सिस्टम की वजह से। नो डाउट उस टाइम पे इलिटरेसी का रेट काफी ज्यादा था, तो एजुकेशन के लिए काफी सारे प्रयास हो रहे थे, स्कूल्स हमारे स्टार्ट हो रहे थे, लेकिन जो हम आज देखते हैं कि जो IIT जो है हमारा वो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो जो IIT की शुरुआत हुई हमारे देश में वो किस तरह से हुई और कैसे उसको डेवलप किया गया, इसके बारे में मधु मैडम आपके साथ बहुत ही रोचक कहानी शेयर करेंगे। क्योंकि मधु मैडम आप बोलेंगे तो मैं एक बात कहूंगी, एजुकेशन जो है इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल फॉर एनी नेशन प्रोग्रेस। यस, तो बताइए। तो अभी तो आप देखेंगे IIT तो इंडिया की दिल की धड़कन है। yes. अभी सब लोग जानते हैं IIT के बारे में, एंड ऑफ कोर्स एजुकेशन इंडिया में, आज इंडिया में एक्चुअली इन द वर्ल्ड नाउ यू विल से लाइक अ गुड एजुकेशन सिस्टम इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम इज अ ह्यूज पार्ट ऑफ आवर लाइव्स, एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट भी है। तो IIT जो आज के इंडिया में, IIT इज लाइक वन ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूट। यस, पर पहले तब की सोचिए, 1990 हम तो 1947 इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं, बट प्री इंडिपेंडेंस आई थिंक बाय 1945 पीपल हैड स्टार्टेड पोस्ट वॉर क्या होगा, डेवलपमेंट जो होगा। सो देयर इज सर अधिशर दलाल, एंड इन 1945 ही वॉज अ वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और वो प्लानिंग डेवलपमेंट देखते थे। तो पोस्ट वॉर हाउ विल हाउ इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगा वो उनके जिम्मे था, उनको प्लान फॉर्मुलेट करना था, वो भी 1945 में। तो उन्होंने कहा कि अगर कोई भी इंडिया का फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट, कोई भी कंट्री के फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट के लिए पैसे नहीं, कैपिटल नहीं, फंड्स नहीं, पर एक टेक्नोलॉजी बहुत, इट इज द प्रोग्रेस ऑफ अ कंट्री इज डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी। तो उनने प्रपोज किया कि काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च को एस्टैब्लिश किया जाए, और जिसका एम होगा, क्योंकि हम आगे बढ़ने के लिए हमें स्किल्ड वर्कर्स चाहिए हर क्षेत्र में, स्किल्ड वर्कर्स चाहिए, तो उनको ट्रेन करने के लिए वी नीड अ प्रीमियर इंस्टीट्यूट एट दैट टाइम, दैट्स व्हाट इज स्किल्ड वर्कर्स चाहिए। उनने ऐसे प्रपोजल डाला, तो देयर वाज डॉक्टर हुमायूं कबीर, उनने जाके डॉक्टर BC रॉय जो उस टाइम चीफ मिनिस्टर थे बंगाल के, उनको एनकरेज किया। उनने बोला ये जो प्रपोजल आया है इसको आप एक शेप दें, उसको रियलिटी में, किसी का ड्रीम है उसको आप रियलिटी में बदलें, लेट्स मेक इट रियल फॉर इंडिया। तो उन्होंने दूसरे वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल सर जोगिंदर सिंह को, हु वाज टेकिंग केयर ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, उनको ये जिम्मा दिया कि आप एक कमिटी बनाइए, ओके, हाउ पोस्ट वॉर वील हैव अ हायर टेक्निकल इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, दैट वॉज देयर आइडिया कि हम ये बनाएंगे। तो उनने 22 मेंबर की कमिटी बनाई, जिसमें सर नलिनी रंजन
सरकार को उसका हेड बनाया. ना उनने ये कमिटी बनाई, ऑफकोर्स दिस वॉज यू नो लाइक मूविंग एट इट्स ओन पेस. तो जो सरकार कमिटी है उनने रिकमेंडेशन किया कि वी नीड अ टेक्निकल इंस्टीट्यूट इन वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया, नॉट जस्ट लाइक वन टेक्निकल, बट हमको वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया. पहले उनका ये आइडिया था. और ये इसका जो स्टैंडर्ड होगा इट हैज टू बी वेरी हाई, इट हैज टू बी लाइक यू नो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूएस जो है उसके लेवल का हमको चाहिए. हमको सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन बनाना है. और उन्होंने इसमें अंडरग्रेड प्रोग्राम तो उनने के लिए कहा ही था, पर उनने कहा था हमको इसमें से प्रोड्यूस करने हैं रिसर्च वर्कर्स और टेक्निकल वर्कर्स. ये दो चीजें इसमें से भी निकलनी चाहिए. दैट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट. सो अभी इस सब को अभी किसी ने सोचा है का आइडिया कि हाँ हम ऐसा करेंगे, बट समबडी हैज टू मेक द ब्लूप्रिंट. किसी को तो मैप बनाना ही है, डिजाइनिंग करनी है. तो दे चोज एल एस चंद्रकांत एंड बिमन सेन, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के पार्ट थे, उनको चूज किया. और तब एक IIT खड़गपुर एक्ट बना जिसमें फर्स्ट इन 1950 उन्होंने फर्स्ट ईस्टर्न कैंपस बनाने का प्लान किया. एंड व्हाई कैलकटा, ये पूछा जा सकता है सवाल, बिकॉज वेस्ट बंगाल हैड द हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंजीनियरिंग इंडस्ट्री. तो उन्होंने कहा टू मेक अ इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट दैट इज द टेक्नोलॉजी से दैट इज द फर्स्ट प्लेस. तो 1950 में IIT का एस्टैब्लिश हुआ. ऑफ कोर्स इट स्टार्ट, उसका जो इनॉग्रेशन हुआ वो मौलाना आजाद ने किया 1951 on 18th August उनने किया. एंड उसको इनॉग्रेट किया मौलाना आजाद ने IIT खड़गपुर को. और उसके जो डायरेक्टर बने वो सर JC घोष बने, जो अलोंग जब ये एस्टैब्लिश हो रहा था उसमें उनका बहुत बड़ा हाथ था, उनने तभी भी काम किया था. और जब 1956 में फर्स्ट बैच निकला था तो जवाहरलाल नेहरू इनॉग्रेट करने के लिए, और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली थी. आज उस पर हम रिफ्लेक्ट करें तो यू नो लाइक वील रियली थिंक इट्स अ ग्रेट स्टेटमेंट फॉर दैट टाइम. तो उनने बोला था IIT जो है ना एक इट्स अ फाइन मॉन्यूमेंट ऑफ इंडिया विच रिप्रेजेंट्स एट दैट टाइम इट रिप्रेजेंट इंडियाज अर्जेस, ओके, इंडियाज फ्यूचर इन द मेकिंग. एंड ट्रूली इफ यू लुक एट इट, आप आज देखेंगे जिनके बारे में हम बात भी करेंगे, हमें मालूम है इतने सारे स्टार्टअप स्टार्ट हो रहे हैं एंड मोस्ट ऑफ देम आर कमिंग आउट ऑफ IITs एंड यू नो दे आर बिकमिंग वेरी सक्सेसफुल. सो एज वी सेड इंडिया इज बिकॉज ऑफ देम आल्सो. यस या तो तब 1956 में IIT खड़गपुर एक्ट बन गया. ओके तो उसमें वो एक्ट बना. एंड ऑफकोर्स व्हेन IIT खड़गपुर came on, then जो सरकार कमेटी थी उनने बोला कि चलो अब हम और चार IITs add करेंगे. तो उनने ये जो है act को amend किया. और ये act of course reflect हुआ 1961 में. तो right till now it is IIT has an act of 1961 right now. तो तब उन्होंने तो then they went and established one in Bombay, देन कानपुर चेन्नई में 1959 में, 1958 में बॉम्बे का आ गया था, एंड 1961 में दिल्ली के है. तो व्हाट द रीजन वो चाहते थे कि पूरे इंडिया में IIT के लोकेशन है, पूरे इंडिया मतलब द ईस्टर्न पार्ट वॉज कैलकटा, देन द नॉर्दर्न पार्ट सॉरी द वेस्ट द ईस्ट द वेस्ट द नॉर्थ एंड देन द साउथ. साउथ में फर्स्ट दे चोज बैंगलोर बट देन दे शिफ्टेड टू चेन्नई फॉर रीजन्स. या एंड तो वो चाहते थे कि पूरे इंडिया को एक इट शुड नॉट क्रिएट एक जगह होके इट शुड नॉट क्रिएट अ रीजनल इम्बैलेंस. यस यू नो संतुलन रहना चाहिए. बेसिकली एट दैट टाइम दे वर लुकिंग एट द, आपने कहा था ना लोग अशिक्षित थे, लिटरेसी रेट इज समथिंग दैट दे वर लुकिंग एट, बिकॉज लिटरेसी रेट कहीं ना कहीं हेल्थ एजुकेशन हेल्थ इंडस्ट्रियलाइजेशन सबको हिट करता है. तो दे वर लुकिंग एट दैट. तो 1961 में जो 5 IITs हो गए थे हमारे, और सोचिए उसके बाद 1994 तक हमारे पास एक भी नहीं थे. नेक्स्ट केम IIT गुवाहाटी. वो कैसे हुआ कि असम के स्टूडेंट्स ने असम ने एक प्रोटेस्ट किया, और दे वॉज बिग अनरेस्ट था उस टाइम. और राजीव गांधी ने देन प्राइम मिनिस्टर उनने उनको प्रॉमिस किया था, ऑफकोर्स उनके टेनर में वो नहीं कर पाए थे, बट 1994 में IIT गुवाहाटी स्टार्ट. आप बोलते थे IIT का सेकेंड ईयर स्टार्ट हुआ.
हाँ तो आईआईटी गुवाहाटी स्टार्ट हुआ और 1961 से लेके 1994 के बीच में, सॉरी 96, एक मैंने जैसे कहा था एक भी आईआईटी नहीं है, बट 1994 में गुवाहाटी में आया। फिर 2001 में जो यूनिवर्सिटी ऑफ रूरकी थी दे कन्वर्टेड इनटू आईआईटी ऑफ रूरकी, और ये इसमें डॉक्टर मनमोहन सॉरी मुरली मनोहर जोशी का बहुत बड़ा हाथ था, उनने ये आगे बात को आगे बढ़ाया था और उनने लिया था। नाउ आईआईटी खोलना इज नॉट अ जोक बिकॉज इट टेक्स करोड़ एंड करोड़ ऑफ रुपीज उस एक आईआईटी बनाने को। तो जब 1 अक्टूबर 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी गेव अ ग्रेट आइडिया, उनने कहा कि हमें बहुत सारी आईटी हमको बहुत सारे आईटी क्रिएट करने की जरूरत, बिकॉज ऑफकोर्स यू नो लॉट ऑफ गुड थिंग्स आर कमिंग आउट ऑफ इट। तो उनने कहा कि इंस्टेड ऑफ मेकिंग न्यू आईटीज व्हाई डोंट वी अपग्रेड द एग्जिस्टिंग एकेडमिक इंस्टीट्यूट, बेसिकली द यूनिवर्सिटीज जिनके जो प्रॉमिस भी करते हैं और जिनके पास पोटेंशियल भी है right. ये करने के लिए। दस उनने एस के जोशी कमिटी फॉर्म की नवम्बर 2003 में और दे केम अप विद अ सेलेक्शन गाइड। उनने बोला कि हम 5 यूनिवर्सिटी को आईटी इसमें कन्वर्ट करेंगे, पर और ऑफ कोर्स इसका जो बेसिस था वो सरकार कमिटी पे ही बेस था कि हमको पूरे देश में आईटी चाहिए करके। उनको 5 इंस्टीट्यूट खोलने थे आईटी के, बट 16 स्टेट्स अप्लाइड। ओहो 16 स्टेट्स अप्लाइड, तो इतना मुश्किल था सेलेक्शन, बट सेलेक्शन जो उनके गाइडलाइंस थे दे वर वेरी वेरी स्ट्रिक्ट। तो दे सेलेक्टेड 7, बट ड्यू टू द स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस ओनली 7 गॉट इलेक्टेड। बट जब उन्होंने 11th 5-year प्लान बनाया तो उसमें 8 स्टेट्स को आइडेंटिफाई किया था। ओके एंड सो देन नाउ 8 न्यू आईआईटीज वर एस्टैब्लिश्ड। 2008 में 6 आईआईटीज और 2009 में 2 आईआईटी। तो एट दैट टाइम भुवनेश्वर, रूपर, मंडी, जोधपुर, हैदराबाद, इंदौर, पटना, गांधीनगर, ये सब इतनी सारी इंस्टीट्यूट आए। देन ऑफकोर्स देन अब दौर चलने लगा यू नो आईआईटीज का, तो कन्वर्शन होने लगा। तो 2011 में बीएचयू गॉट कन्वर्ट इन टू आईआईटी वाराणसी। देन 2015 और 2016 के बीच में 6 न्यू आईआईटीज आई। ओके एंड दीज आईआईटीज जो हैं दे आर एक्चुअली ऑटोनोमस बॉडीज, दे आर इंडिविजुअल बॉडीज हैं एंड दे हैव देयर ओन लोगोस जो हम आपके साथ शेयर भी करेंगे। It is not easy to run these IITs. They need a lot of money. So 2017-18 में उसका बजट 70 billion था, सोचिए। तो एंड ये जो IITs होती हैं they are linked to each other. Though they are autonomous individual bodies, they are linked to each other by IIT Council, जो actually comes under Ministry of Education and it reports to the President of India. That's what happened. They offer a lot of undergrad program, postgraduate program, PhD program. और of course हमने आपको IIT Act 1961 के बारे में बताया है। 1961 Act बोलता है कि IITs जो हैं हमारे they are of national importance. Yes. जो मीन देते हैं national, they are national treasures हैं अभी हमारे लिए। मैं कुछ थोड़ी interesting facts बताना चाहती हूँ IIT के बारे में। 2005 में US Congress ने आईआईटी का जो कंट्रीब्यूशन और इनोवेशन इतना रहा है उसको एक्नॉलेज किया है यूएस कांग्रेस में। 1981 में आईआईटी बॉम्बे से फर्स्ट फीमेल मेटलर्जिस्ट ग्रेजुएट हुई 1981 में और फर्स्ट मैकेनिकल इंजीनियर लेडी को फीमेल एडमिशन हुआ था उनका। और जो आईआईटी मद्रास या आईआईटी चेन्नई जो अभी है उसका जो एनुअल फेस्टिवल है बहुत फेमस है शास्त्रा करके, वो आईएसओ सर्टिफाइड है। देर इज अ वेरी आईआईटी बॉम्बे ऑल्सो हैज मूड इंडिगो एंड इट्स लाइक वो लोग 24 लाख स्पेंड करते हैं एंड इट्स लाइक वर्ल्ड फेमस काइंड ऑफ, इट्स सच अ बिग इवेंट। आईआईटी खड़गपुर जो हमारी सबसे पहली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी थी वो 21,000 एकर्स लैंड पे बनी है। अगर आप वैटिकन सिटी और वैटिकन सिटी जो एक कंट्री है और मोनाको एक कंट्री है इनको साथ में डालेंगे तो उसका 6 times है, उससे बड़ा है तो ऐसा है। और आईआईटी कानपुर जो है उसका खुद का एयर स्ट्रिप है, मतलब सोचिए उनने एजुकेशन की तरफ कितना तवज्जो दिया था, कितना इंपॉर्टेंस दिया है कि क्योंकि वहां पे जो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है
उनको अच्छे से टेक्नोलॉजी डेवलप करने, उनको उनको एयर स्ट्रिप भी दिया हुआ है. सो दीस आर सम ऑफ द देयर अचीवमेंट्स एंड दीस आर सम ऑफ द थिंग्स दे हैव बीन एबल टू डू. नाउ आईआईटी ऑन इट्स ओन क्यों इम्पोर्टेंट है? हाँ ठीक है, ये सब तो हुआ, फॉर्म ऐसे हुए, वी ऑल नो अबाउट आईआईटीज, बट जो आईआईटीज निकले हैं उनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या हुआ था? आप देखिए इन्फोसिस, इन्फोसिस लाइक वन ऑफ द फर्स्ट, नॉट I would say one of the first, not the first, but one of the first, and they have made a mark across the country, yeah. across the world, they have made a mark. Narayan Murthy, then Chetan Bhagat, then Nandan Nilekani. He was the one who जो उनका आधार कार्ड को, ये जो आधार कार्ड है हमारे डिजिटल करना, and that's from Congress time. वो he has worked on it. Chetan Bhagat, he was an investment banker, but now, of course, he's become a writer and, you know, yeah. a lot of other things. E-com industry mein revolutionize karne ke liye Sachin Bansal ka bahut bada haath tha. Okay, unne jo hai e-com industries ko India mein bahut unka sahyog, usme unka yogdaan raha hai. Flipkart unki company hai, unne banayi thi, wo co-founder the Flipkart company ke. And Rohit Bansal Snapdeal chalate hain. और आई थिंक इस फ्लिपकार्ट स्नैपडील के बारे वजह तो हम लोग की लाइफ काइंड ऑफ अधूरी होगी आज की लाइफ में. विनोद खोसला जो है वो आई थिंक इज अमेरिकन इंडियन, उनने सन माइक्रो सिस्टम जो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उस पर उनने बहुत अर्ली टाइम से काम स्टार्ट, 90s में आई थिंक इवन बिफोर दैट ही स्टार्टेड वर्किंग. तो जो एकदम इंटरनेट और मोबाइल टेक्नोलॉजी वॉज एज ए नेसेंस एकदम न्यू था, ही हैड स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट, ही इज ऑल्सो IIT. देन Zomato, अगेन ओला कैब, तो Zomato इज बाय दीपेंदर गोयल, ओला कैब भावेश अग्रवाल एंड मनोहर पारिकर जो हमारे 10th CM थे गोवा स्टेट के, वो भी IIT. और अभी अरविंद केजरीवाल ऑल्सो इज एन IIT. और आजकल एक और नया है जो हमारे यू नो गॉडमैन के हैं बहुत सारे, यू नो स्वामी जी, सी दे आर मोटिवेशन टॉकर्स, सो दे आर मोटिवेशन स्पीकर्स, सो इट इज सो इम्पोर्टेंट दैट यू नो एंड दैट्स व्हाई मे बी पीपल लिसन टू देम. सो मेनी ऑफ देम आर फ्रॉम IIT, चाहे आप उसको आर्ट ऑफ लिविंग के लिए लीजिए, शीशी का लीजिए, सदगुरु का ले, सब हरे कृष्ण मिले, दे आर ऑल IIT. IIT बहुत सारे लोग गीता पढ़ा रहे हैं, यू नो दे हैव गॉन इनटू दैट फील्ड. सो कहीं पे भी IITs ने छोड़ा एंड द स्टार्टअप्स बिकॉज ऑफ देयर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी नॉलेज, सो मेनी स्टार्टअप एंड इनोवेशन इज समथिंग दैट विल टेक इंडिया टू वेयर यू नो वी आर टूडे. एंड आई थिंक 2047 का अभी से प्लान बनने लगा है इंडिया का. So, you know, these are the futures. India is because of that. Yes. So, हमने देखा ये सारी रोचक बातें जो है IIT की. शायद मुझे भी इतना मालूम नहीं था, या बच्चों को भी नहीं मालूम है, उनका तो सिर्फ इतना ड्रीम है IIT में एडमिशन लेना है, लेकिन कितना बड़ा एक इतिहास इसके पीछे है. तो आज हमने आपको दो महत्वपूर्ण बातों के शेयर किया. एक तो एजुकेशन, जो हमारी IIT जो है हमारे देश का मान है, प्राण है, ऐसा बोल सकते हैं एजुकेशन फील्ड में, और इलेक्शन जो पहला हुआ था वो. आपको हमारा आज का एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे. अभी इसके साथ हमने एक वीडियो अटैच किया है IIT के ऊपर, उसको देखना ना भूलिए. यस, थैंक यू. And as we said, subscribe and comment karna mat bhuliye. Yes. Thank you very much. Jai Hind. Jai Hind.